फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ वी विल मूव ऑन टू न्यूरल नेटवर्क टॉपिक। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है? सो आर्टिफिशियल न्यूरॉन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस वो सारे न्यूरॉन्स डायरेक्टेड एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एज वेल एज उन हर एक डायरेक्टेड एजेस का एक अपना वेट होगा। तो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर गिवन है। जनरली आर्टिफिशियल न्यूरॉन डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ मैक्यूलोपिट्स मॉडल। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे इनपुट प्रेजेंट है, x1 x2 अप टू xn, डायरेक्टेड एजेस गिवन है। हर एक इनपुट के लिए उसका एक अपना वेट भी गिवन होता है। तो सबसे पहले वेटेड सम इज कैलकुलेटेड। वेटेड सम का मीनिंग है x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 अप टू जितने भी इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब अगर ये वेटेड सम कोई भी प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ी हो गई, देन दिस विल गिव आउटपुट एज 1, एंड इफ दिस सम विल बी लेस देन डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन आउटपुट विल बी 0। मतलब कि वेटेड सम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो न्यूरॉन विल बी एक्टिव और न्यूरॉन विल बी फायर्ड, अदरवाइज इट विल नॉट बी फायर्ड और इट विल बी इनएक्टिव। सो कोई भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन और मैक्यूलोपिट्स मॉडल के याद रखने वाले पॉइंट्स कौन से हैं? सो एज वी हैव सीन, इसके दो स्टेट्स होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव, फायर्ड और नॉट फायर्ड। सबसे पहले इनपुट आएगा तो वेटेड सम विल बी कैलकुलेटेड। व्हेन दिस वेटेड सम इज ग्रेटर देन सम बायस और थ्रेशोल्ड, बायस एंड थ्रेशोल्ड दोनों एक ही चीज़ें हैं, देन न्यूरॉन विल बी फायर्ड, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ फाइनल आउटपुट का जो फंक्शन है, दैट फंक्शन टेल्स अबाउट द इक्वेशन वेटेड सम माइनस थ्रेशोल्ड। सो दिस इक्वेशन डिफाइंड बाय मैक्यूलोपिट्स मॉडल। सो दिस वॉज द सिंपल थियोरी फॉर आर्टिफिशियल न्यूरॉन। एंड स्टिल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑन AI। थैंक यू।